शहर पर पानी का कब्जा, पानी में डूबे पहिए, सैलाब पार करते लोग, तेज धार में गुजरती छात्राएं, खटिया से नदी पार करती गर्भवती, जी हां, अलग अलग तस्वीर, अलग अलग मुसीबत, लेकिन वजह सिर्फ आसमान से गिरती आफत की बूंदें। ये हालात मध्य प्रदेश के हैं, जहां का बड़ा हिस्सा इस वक्त पानी के कब्जे में है। घुटने से कमर तक पानी है, कुल मिलाकर हाहाकार है। मध्य प्रदेश में राजगढ़ के हालात को देखिए। जिले में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी कमर के ऊपर आ चुका है। घरों में पानी, दुकान में पानी और सड़क तो दरिया दिल है। गर्भवती महिला की तबीयत खराब हो गई, लेकिन अस्पताल के रास्ते में पड़ने वाले दरिया ने खूब इम्तिहान लिया। खटिया पर गर्भवती महिला को लिटाकर लोगों ने जोखिम उठाते हुए सैलाब को पार किया। बैतूल में तो देखिए कैसे कमर तक डूबी स्कूली छात्राएं पढ़ाई पर जाने के लिए मजबूर हैं। जरा सी सावधानी हटी नहीं कि कोई बड़ी दुर्घटना ताक लगाए बैठी होगी। देश चांद पर पहुंच रहा है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। धार में तो बारिश से ज्यादा सरदार सरोवर बांध से छोड़े गए पानी से त्राहिमाम है। सरदार सरोवर के बैक वाटर से जमीन दरकती जा रही है और ग्रामीणों के दिलो दिमाग में दहशत ने कब्जा कर लिया है। आप यकीन करें ना करें, लेकिन आगर मालवा में बारिश रोकने के लिए तांत्रिक मंदिर में हवन पूजन तक शुरू कर चुके हैं। सितंबर में मध्य प्रदेश मानसून के जोर के सामने पस्त पड़ता दिखाई दे रहा है और इससे उबारने के लिए अब यज्ञ का ही सहारा है।